हे अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम करने वाले हैं स्किन केयर रूटीन। कैसे आपको अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने हिमालय का फेस वॉश यूज़ किया है। आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, हिमालय का नहीं तो आप एवरयूथ का यूज़ कर सकते हैं, लैक्मे का यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। मैंने हिमालय का यूज़ किया क्योंकि ये माइल्ड है, तो आप कोई सा भी माइल्ड फेस वॉश लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आप में देख सकते हैं मैं यहाँ पे फेस वॉश अप्लाई कर चुकी हूँ, अब मैं इसे वॉश करूँगी। नेक्स्ट स्टेप है हम स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के लिए मैंने एवरयूथ का स्क्रब लिया है। आप हिमालय का स्क्रब ले सकते हैं या फिर कोई सा भी स्क्रब ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैंने एवरयूथ का स्क्रब यूज़ किया है क्योंकि मुझे वो पर्सनली अच्छा लगता है। तो ये एवरयूथ का वॉलनट स्क्रब है, तो अप्लाई करते हैं। मैं अभी वॉलनट स्क्रब अप्लाई कर रही हूँ एवरयूथ का। तो हमें जेंटली स्क्रब करना है, सर्कुलर मोशन में, एकदम हार्श तरीके से बिल्कुल भी नहीं। हमें स्क्रब करना है एकदम धीरे धीरे, जेंटली, एकदम हमें सॉफ्ट हाथों से एकदम स्क्रब करना है, एकदम जेंटली। अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। आप लोग फ़र्क देख सकते हैं अभी मेरे दोनों हाथों में एक्सफोलिएट करने के बाद। अब मैं पैक यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे ये अपना DIY पैक यूज़ किया है। आप कोई सा भी पैक यूज़ कर सकते हैं, आप हिमालय का पैक यूज़ कर सकते हैं, आप लैक्मे का पैक यूज़ कर सकते हैं, एवरयूथ का पैक यूज़ कर सकते हैं, आप चारकोल पैक यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी पैक यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। पैड ड्राई कर लेंगे और आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में। अब ये कितना सॉफ्ट फील हो रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे टोनर यूज़ करने वाली हूँ। टोनर के लिए मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर सकती हूँ। आप कोई सा भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और ड्राई स्किन रोज़ वाटर भी स्किप भी कर सकती है चाहे तो। आप रोज़ वाटर लगाएंगे तो बेहतर होगा। और अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ, जो ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, और लैक्मे का क्रीम मॉइस्चराइज़र कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेटर रहता है विंटर्स में। तो मेरी फ़िलहाल स्किन ड्राई है तो मैं इसलिए लैक्मे यूज़ करती हूँ। और हाँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पॉइंट्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइज़र लगाना सिर्फ विंटर्स में ही लगाना होता है, तो ये बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव और ड्राई होती है। हमारी स्किन को अगर मॉइस्चराइज ना मिले तो वो खुद से ऑयल रिलीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से हमें पिंपल, एक्ने, स्कार्स ये सब होते हैं। इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन बहुत ज़रूरी है, और चाहे विंटर हो या समर, बस यहाँ पे हमें सही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। और ऑयली स्किन को जेल बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है, और ड्राई स्किन को क्रीम बेस, और कॉम्बिनेशन को सीजन्स के हिसाब से, विंटर हो तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, और अगर गर्मी हो तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप कोई सा भी लगा सकते हैं, पर 50 PF या फिर 40 PF सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए। तो मैंने ये न्यूट्री ग्लो का सनस्क्रीन यूज़ किया है जो 40 PF है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप लैक्मे का ले सकते हैं, आप जॉय का ले सकते हैं, पर सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है एक्ने प्रो स्किन के लिए। एक्ने प्रो स्किन के लिए नहीं, और भी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं नेचर ग्लो का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। सन यूवी रेस से बचाने के लिए हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, इसलिए हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को सूथ करता है और हाइड्रेट करता है,
अगर हमारे फेस में बर्निंग होती है, रेडनेस होती है, तो आप ये लगा के इसे कम हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, लिप को भी हाइड्रेट करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ, आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन सिर्फ विंटर में लगाने के लिए नहीं होता है, वो हम किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। तो लिप पे लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज भी दुनिया में बहुत सारी लड़कियों को स्किन केयर के बारे में नहीं पता है, जैसे कि मेरी फ्रेंड को ही स्किन केयर का मतलब नहीं पता। तो ये मेरा वीडियो का मोटिव। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।